सरकार की धुर बनेगी और हम सभी सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। और माननीय मुख्य अतिथि जी झंडा फहराते हुए गणतंत्र हर देशवासी का उसमें हिस्सा होता है, उसमें अधिकार भी होते हैं, उसमें कर्तव्य भी होते हैं। और कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब सब मिलजुल कर उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सर आज 26 जनवरी रही, बारिश रही, लेकिन थोड़ा बच्चों को वो लगा, बच्चों को भी छुट्टी का आपने एक दिन का किया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बच्चों की छुट्टी का हक तो बनता ही है, और वैसे भी बहुत देर वो बारिश में खड़े रहे और भीगते रहे वहाँ पर, तो इसलिए एक दिन की छुट्टी का हक तो। 26 जनवरी का पर्व जहाँ प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया, वहीं करनाल में जो है प्रदेश के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने जो है ध्वजारोहण किया करण स्टेडियम में। आप तस्वीरें इस समय करनाल विकिंग न्यूज के साथ देख रहे हैं कि हालांकि बारिश है और बारिश में जो है प्रदेश के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री द्वारा जो है यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रदेश के नाम जो है भाषण को संबोधित कर रहे थे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं अनिल मजरी, लेकिन अब स्कूली बच्चों का उत्साह जो है देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी जो पासिंग आउट परेड में यहाँ पहुँचे हैं, जो परेड यहाँ पर करेंगे, और उनके साथ तमाम स्कूली बच्चे भी जो हैं बारिश में और ठंड में जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश जो है जिस कारण 26 जनवरी का पर्व जो है यहाँ करनाल के करण स्टेडियम में जो है मनाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने जो है ध्वजारोहण किया। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। स्वतंत्रता सेनानीगण, सम्मान्य बुजुर्गों, अधिकारीगण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों तथा पत्रकार, हमें इस दिन का महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष की भांति आज हम भारत का 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लंबे संघर्ष से प्राप्त आज़ादी के उपरांत आज ही के दिन 1950 में देश में संविधान लागू किया गया था। इससे भारत को विश्व में यहाँ एक संपूर्ण गणराज्य के तौर पर पहचान मिली। वहीं लोगों को सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हुए। भारत के स्वाभिमान और स्वाधीनता के प्रतीक गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में बनाए गए
संविधान को अपनाकर हमने एक प्रगतिशील राष्ट्र का सपना संजोया था। देश की प्रगति के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित मदन में, जहाँ आज गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं करनाल में भी गणतंत्र दिवस की जो है धूम है और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। और करनाल में जो है प्रदेश के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अभी कुछ ही देर में जो है ध्वजारोहण करेंगे और करनाल मेयर भी जो है हमारे साथ हैं, शुभकामनाएं दे रही है करनाल वासियों को। मैम आप बताएं, 26 जनवरी है आज, क्या कहना चाहेंगे करनाल वासियों का नाम कोई संदेश? सभी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। इस अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए आए हैं और इस अवसर पर हम अपने देश के लिए, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया हुआ है कि देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, और यही सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर हरियाणा में प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं, हम सब संकल्प लें कि देश और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करें, देश और राष्ट्र के की सेवा करें। सबको बहुत बहुत बधाई। तो करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता से जो हम बातचीत कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि तमाम पार्षद भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जो है हम शुभकामनाएं लेना चाहेंगे करनाल वासियों के नाम। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज गणतंत्र दिवस है संक्षिप्त में? आज गणतंत्र दिवस से भी करनाल वासियों को गणतंत्र पर्व की पूरी शुभकामनाएं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये गणतंत्र दिवस की पूरे देश में मुहिम चलाई है वो बहुत ही सराहनीय है। सर क्या कहेंगे आज गणतंत्र दिवस पर? आज का दिन राष्ट्रीय पर्व है, उस राष्ट्रीय पर्व पे सभी देशवासियों को और करनाल वासियों को हमारी सभी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद। भगवान दास की वरिष्ठ पार्षद करनाल, मैं करनाल वासियों को गणतंत्र 1868 रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर करनाल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये गणतंत्र दिवस जो है सभी के लिए भाग्यशाली सौभाग्यशाली हो। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे सर आज? आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे संविधान की प्रक्रिया लागू की गई थी और हमारे देश को आज़ाद हुए 68 साल हो चुके हैं। इस पर हम अपने वार्ड नंबर 17 और सारे शहर वासियों को की तरफ से सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो 68वां गणतंत्र दिवस है, करनाल मेयर और नगर निगम की टीम सभी पार्षद से जो है हम शुभकामनाएं ले रहे थे और एक और पार्षद हमारे जुड़े हैं। मैम आप बताएं गणतंत्र दिवस पर आप क्या बधाई देंगे? गणतंत्र दिवस की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं। तो ये बातचीत कर रहे थे हम करनाल मेयर व सभी पार्षदों द्वारा, और जहां आज कुछ ही देर में जो है ध्वजारोहण किया जाएगा और जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री जो है ध्वजारोहण करेंगे 9:58 पर। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।